प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। DLED सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना की यूनिट 6 आप आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में भाषा एवं सोच, भाषा लैंग्वेज और सोच थिंकिंग, भाषा के प्रति कैसी सोच है या भाषा और सोच में क्या अंतर संबंध है, इन सब टॉपिक पर आज अपन इस में डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो फर्स्ट पेपर है अपना बच्चे और सीखना, तैयार हो जाइए आप और जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा ताकि अपन इस यूनिट 6 को पूरा कर सकें। यूनिट 5 तक के समस्त वीडियोस इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों में आयु के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाइए कि बालकों में उम्र के हिसाब से किस प्रकार से वो कम्युनिकेशन करते हैं, किस प्रकार से बालक अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार अपनी भावना को, अपनी बात को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, वो होता है संप्रेषण कौशल। तो संप्रेषण किस प्रकार से करते हैं उसको अपन पढ़ते हैं। नंबर 1, पहले आता है शैशवावस्था। जब बालक दुनिया में आता है, माँ के पेट से बाहर आता है तो वो शैशवावस्था में आता है, तब अपनी बात को यदि उसको प्रकट करना, तो धीरे धीरे अपन सोचते हैं कि बालक जब भूखा होता है तो रोने की क्रिया करता है, अशाब्दिक वो अपनी बात को कहना चाहता है, क्योंकि बोल नहीं सकता बालक तो क्या करेगा, रोएगा तो माँ को लगेगा कि इसको भूख लगी है। ये भी एक इस प्रकार से संप्रेषण करता है। उसको जब गीला होता है, हमें पता है कि भाई जब वो बालक ने टॉयलेट कर दिया है, ये गीला हो गया तो रोने लग जाएगा, इसका मतलब इसने या तो उसको भूख लगी है या गीला हो गया है, तो माँ समझेगी या देखभाल करने वाला उसको समझ सकता है। तो ये उसका उस समय का संप्रेषण होता है। 1 साल से छोटी आयु के बालक जिन्हें बोलना नहीं आता है, वे अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु विभिन्न ध्वनि को निकालते हैं, है ना, ध्वनि से। इससे केवल माँ या देखभाल करने वाले ही समझ पाते हैं। हम देखते हैं कि बालक जब भूखा होता है या गीला होता है तो वह रोता है। बच्चों का रोना, किलकारी करना, चिल्लाना आदि ध्वनि संप्रेषण की एक प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। संप्रेषण का एक रूप देखा जाता है शैशव अवस्था के अंदर। जब बालक 2 साल तक होता है, 1 साल के बाद उसकी क्रियाएं शुरू हो जाती है, 1 साल से पहले भी हो जाती है, यानी कि 2 साल तक लगभग बालक शैशव अवस्था में रहता है और इस प्रकार की क्रियाएं करता है। बालक बोल नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको यदि इसी अवस्था में हल्का फुल्का बोलना आ जाता है, जैसे द द द द इस तरह से करने लग जाता है बालक, है ना, दादा है, दादा दादा, कुछ इस तरह की भाषाएं भी उसको, उस तरह का संप्रेषण भी उसको अपने को देखने को मिलता है। दूसरा आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, इस बाल्यावस्था से पहले की अवस्था होती है। इसमें 2 वर्ष से बड़े बच्चों में शब्द भंडार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करने लग जाता है, मातृभाषा का प्रयोग करता है, जैसा वो उसकी माँ बोलती है, जैसा उसके पड़ोसी बोलते हैं, जैसे उसके उसको उसकी देखभाल करने वाले बोलते हैं, वैसे ही भाषा का वो बालक प्रयोग करने लग जाता है। धीरे धीरे उसका संप्रेषण व्यवस्थित एवं बेहतरीन हो जाता है। घटनाओं के छोटे छोटे वर्णन करने लगता है बालक, जैसे माँ सीता रोई, है ना, वो गिर गई, ऐसे धीरे धीरे बालक अपनी बात को समझाने लगता है। संप्रेषण में उसके सीधापन झलकता है, साथ ही कल्पना का पुट भी हमें देखने को मिलता है। बालक क्या करता है, कल्पना भी करता है, बालक को ये लगता है कि ऐसी बात का विचार करता है आगे की, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, इस तरह की कुछ बातें ऐसी करेगा बालक जिसमें कल्पना का पुट होगा लेकिन सीधापन होगा। आगे चलते हैं बाल्यावस्था की ओर। बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक 5 साल की आयु के बाद बालकों का संप्रेषण कौशल और तीव्र गति से बढ़ने लगता है। जब 5 साल का बालक हो जाता है तो उसकी क्या होगी, संप्रेषण कौशल बढ़ जाएगा उस बालक का। बालकों के शब्दकोश में पर्याप्त शब्दावली होती है। इस समय ये वाक्य की संरचना से स्वतः ही परिचित हो जाते हैं। इस आयु में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं और अपने हम उम्र एवं सहवासी जो साथी हैं उनके साथ संप्रेषण में सहजता महसूस करते हैं। वाक्य की संरचना व्याकरण में शुद्धता आ जाती है। वे इस तर्क को करने लगते हैं, बच्चे तर्क करने लगते हैं और अपने साथियों के साथ वो खुश रहने लग जाते हैं। सहवासी जो बच्चे हैं उनको वो अपना दोस्त बना लेते हैं और उनके साथ बातें करते रहते हैं। तो बालक इस समय क्या होता है, 5 साल की उम्र में इस कौशल को
इस ये संप्रेषण जो कौशल है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी होती है, शब्दकोश का भंडार पाया जाता है धीरे धीरे। और इस समय क्या होता है, बालक स्कूल जाने लगता है, बाल्यावस्था में बालक स्कूल जाने लगता है 5 साल की उम्र में, और फिर वो प्रथम क्लास में एडमिशन ले लेता है, फिर अपने अपने साथियों के साथ बातें करता है, उसको मन लगने लगता है उसका। ये सब चीज़ें संप्रेषण में बाल्यावस्था तक आती। अब आती पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था से पहले 11 वर्ष तक की आयु तक के बालकों का संप्रेषण कौशल का आधारभूत विकास हो चुका होता है, और अभ्यास एवं अवसर से बालक का संप्रेषण कौशल में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। यानी पूर्व किशोरावस्था तक बालक का संप्रेषण कौशल पूर्णतया एकदम परिपक्व हो जाता है, और बालक किसी भी बात को समझ सकता है और अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। ऐसी पोजीशन आ जाती है 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा व सोच के बीच में क्या संबंध है, भाषा और सोच के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, सोचने के लिए भाषा एक माध्यम हो सकती है पर जरूरी नहीं है। सोचने के लिए क्या एक भाषा एक माध्यम हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं है। सोचने में क्या है, मुझे वहाँ जाना है, इसके लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है। एक माध्यम हो सकती है कि मैं मेरी बात को प्रकट करूँ। दूसरा, हम सामान्यतः उसी भाषा में सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। हम उसी सोच हाँ ये हो सकता है कि सोच जो है ना हमारी उस भाषा में हो सकती है जिस भाषा को हम बोलते हैं। तीसरा, सोच भाषा ज्ञान से परे है, सोच भाषा के ज्ञान से बहुत आगे है। यानी सोच बिना भाषा के ज्ञान के भी हम सोच सकते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी सोचने का वो रखता है। चौथा, भाषा और सोच में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है, लेकिन यदि हम पढ़ाई करेंगे, हम नॉलेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी सोच में वृद्धि होगी, हमारी सोच में हम वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को प्रभावित जरूर करती है। ये स्पष्ट है कि भाषा सोच का आधार है, भाषा ज्ञान सोच को परिपक्व बनाने में सहायक है, सोच भी भाषा को प्रभावित करती है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। यानी कि भाषा सोच का आधार है लेकिन आवश्यक नहीं है, भाषा ज्ञान सोच को परिपक्व बनाने में सहायक है, भाषा सोच को परिपक्व बनाती है, मैच्योर बनाती है, सोच भी भाषा को प्रभावित तो करती है हाँ, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट कीजिएगा। अब संप्रेषण से मतलब है हम किसी अपनी बात को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे की बात को हम समझते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों तथा भावों का आदान प्रदान है। संप्रेषण क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में अपने विचार अपने भाव प्रकट करना, आदान प्रदान करना, उनको कहना, उनकी बात को समझना सुनना संप्रेषण है। संप्रेषण का माध्यम शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी, दोनों तरीके से हो सकता है। पत्र पुस्तिका ईमेल आदि द्वारा सूचनाएं या विचार प्रेषित करना भी एक प्रकार का संप्रेषण है। मैं मेरी बात को लेख के रूप में किसी पत्रिका में प्रकाशित करवाता हूँ या वो प्रकाशित होती है, तो मेरी बात जो मैं लोगों को कहना चाह रहा हूँ वो वहाँ शाब्दिक रूप से पहुँच गई, लोगों ने उसको समझ लिया पढ़ लिया, तो वो एक संप्रेषण, ये भी एक प्रकार का संप्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास की विचारधारा को समझाइए। वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि संज्ञानात्मक जो विकास है वो अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। बालक का एक संभावित विकास स्तर होता है जिसे वह स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता, इसमें एक कुशल मार्गदर्शक से के सहयोग से इसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि हमारे संज्ञानात्मक विकास, बालक के संज्ञानात्मक विकास को करवाना है तो उसको क्या है, यदि एक कुशल मार्गदर्शक मिल जाएगा समाज में व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, उसको जल्दी से अर्जित कर सकता है, जल्दी जल्दी से उस बालक का संज्ञानात्मक विकास फास्ट हो सकता है, ऐसा वाइगोत्स्की महोदय ने बताया। क्वेश्चन नंबर 5,
चोमस्की की संज्ञानात्मक भाषा की अवधारणा को समझाइए। चोमस्की महोदय ने संज्ञानात्मक भाषा की अवधारणा कैसे दी, देखिए। चोमस्की का विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऐसा चोमस्की महोदय ने बताया कि बालकों में क्या होता है, भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है, जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जब अपने परिवेश में बढ़ते हैं तो वहाँ से भाषा ग्रहण करते चले जाते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये जन्मजात प्रक्रिया, ऐसा चोमस्की महोदय ने बताया। और उसी के सहारे वे नए नए वाक्य बनाते चलते हैं। ये है उदाहरण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। छठा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया में किन तत्वों को महत्वपूर्ण माना, इसमें स्किनर का पार्ट आया है ना। तो व्यवहारवादी क्या सोचते हैं, देखिए, तीन तत्वों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। एक तो उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन, तीन चीज़ों पर इनका फोकस है। तीन तत्वों को महत्वपूर्ण माना है व्यवहारवादियों ने सीखने की प्रक्रिया में। सातवा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। बहुभाषिकता यानी बहुत सी भाषाओं का नॉलेज, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना और उसको आप अपने शब्दों में प्रयोग करना। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, उसमें इंग्लिश के पुट भी उसमें साथ आ जाते हैं। इंग्लिश के काफ़ी जो शब्दावली होती है, काफ़ी वर्ड्स होते हैं, वो हमारे हमारी भाषा में मिक्स हो गए और हम मिक्स करके बोलते हैं, वही बहुभाषिकता है। जब किसी से संप्रेषण करते हैं तो उससे हम जितने भी भाषाएं जानते हैं उनके शब्दों का प्रयोग होता है, इससे ही बहुभाषिकता कहा जाता है कि हम जितनी भाषा जानते हैं उतनी भाषाओं को मिक्स करके बोलते हैं, वही बहुभाषिकता होता है। बहुभाषिकता का प्रयोग जब कक्षा कक्ष में होता होगा तो सभी बालक सक्रिय दिखाई देने लगेंगे। जैसे एक कक्षा कक्ष है जिसमें राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से एक क्लास है, उसमें या मेवाड़ क्षेत्र से कहीं से भी एक क्लास है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में यदि बालकों को कहा जाए कि आपको छूट है, आप कक्षा कक्ष में मेरे से इस तरीके से बात कर सकते हैं अपने टीचर से, तो शायद वो क्लास ज़्यादा रोचक हो पाएगी, ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, क्योंकि सभी बालक अपनी अपनी भावना को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करेंगे। लेकिन यदि उनको कहा जाए कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है या कहा जाए आपको प्योर हिंदी में ही बोलना है, तो बच्चे थोड़ा असहज महसूस करेंगे। यदि हम किसी को एक ही भाषा का प्रयोग करने के लिए कहें तो वो बहुत ही असहज महसूस करेंगे। दरअसल बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं, हमारा ताकत है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, बहुत से वेशभूषा है, सब कुछ रंग बिरंगा भारत के अंदर पाया जाएगा। तो भारत में बहुभाषिकता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसमें तीन भाषा तो अपन पढ़ते ही हैं, हिंदी, इंग्लिश और तृतीय भाषा कोई सी भी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बच्चों के भाषा विकास में टीचर की क्या भूमिका होती है, टीचर का क्या रोल होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा इसको भी, ये भी आपके महत्वपूर्ण यूनिट का क्वेश्चन है। देखिए, चूँकि बालक जब विद्यालय आता है तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को, अपनी मातृभाषा को साथ लेके आता है। अब वो विद्यालय में प्रवेश करता है, उसका एडमिशन हो जाता है। अब गुरुजी उसको क्या करते हैं, उसको भाषा का ज्ञान, अन्य भाषा, जैसे कोई क्षेत्रीय भाषा है तो जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में तो हिंदी, इंग्लिश भाषी क्षेत्र में तो इंग्लिश का ज्ञान, अन्य भाषा है तो अन्य भाषा उसको सिखाएंगे, उसको बोलना सिखाएंगे। भाषा वाले जो गुरुजी हैं उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उनका रोल क्या रहता है, उनमें कौन से गुण होने चाहिए ताकि बालक भाषा में निपुण हो सके। बालक को जिस भाषा को समझाया जा रहा है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई सी भाषा जिसको समझाने जा रहे हैं, वो बालक अच्छी तरह से समझे, उसमें दक्षता हासिल करे, उसके लिए टीचर का क्या रोल होता है। देखिए, नंबर एक, शिक्षक को उस भाषा में भी निपुण होना आवश्यक है जिससे वह पढ़ाता हो, जिसमें बालकों की भाषा को और बालक समझ सके। यानी जिस भाषा को टीचर पढ़ाना चाह रहा है, हिंदी पढ़ाओ चाहे कौन सी भाषा पढ़ाओ, उस भाषा में उस टीचर को निपुण होना खुद को आवश्यक है। खुद को सबसे पहले उसमें इंटेलिजेंट दक्षता हासिल करना जरूरी है। दूसरा, शिक्षक को भाषा पर अधिकार अच्छा होना चाहिए जिससे शिक्षण प्रभावी हो सके। गुरुजी को खुद को, शिक्षक को खुद को उस भाषा पर प्रवीणता हासिल करनी पड़ेगी, उस पर अधिकार, भाषा पर अच्छा अधिकार होगा। व्याकरण की सारी हर जितनी भी नॉलेज है वो सारा उसको, यदि टीचर को अच्छा होगा तो वो शिक्षण प्रभावी कर सकेगा। तीसरा, शिक्षक को
बालकों की मातृभाषा को समझकर उनकी झिझक दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, मातृभाषा को समझने में समस्या आ जाती है। जैसे अपन ये कहें कि दक्षिण भारत के किसी शिक्षक को उत्तरी भारत में लगा दिया जाता है या उत्तरी भारत के किसी शिक्षक को दक्षिणी भारत में लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर भाषा की समस्या आती है। जैसे यहाँ का शिक्षक जिस भाषा में निपुण होगा वो वहाँ का शिक्षक वहाँ के भाषा में निपुण होगा। तो बालकों की मातृभाषा को समझना और उनकी झिझक दूर करना, क्योंकि बालक जब आएगा तो वो अपनी मातृभाषा में बात करेगा, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करेगा। ऐसा नहीं होगी बच्चे उसको हंसने लग जाए, टीचर भी उसको हंसने लग जाए, समझ नहीं सके, जिससे वो अपने आप में बालक के अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। ये भी कोशिश करनी चाहिए, झिझक दूर करनी चाहिए। चौथा, शिक्षक को बालक की आयु एवं मानसिक स्तर का ज्ञान होना चाहिए कि बालक की आयु कितनी है, उसको कैसे समझाना, कौन सी भाषा में भी किस प्रकार से उसको प्रवीण करना। आगे, शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों को कक्षा में अधिकाधिक चिंतन कराने, वाद विवाद भाषण लेखन पर ध्यान देवें व पुनर्बलन देना आवश्यक है। यदि गुरुजी, यदि ये शिक्षक अधिकाधिक बालक को चिंतन करवाएंगे, बालक को वाद विवाद करवाएंगे, उस भाषा में भाषण दिलवाएंगे, लेखन करवाएंगे, निबंध लिखवाएंगे, तो बालक का उस भाषा में दक्षता बढ़ेगी। छठा, शिक्षक को बालकों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी रखना आवश्यक है कि बालक किस समाज से संबंध है, किस संस्कृति से संबंध है, वो किसको जल्दी समझ सकता है, किसको लेट समझ सकता है, तो ये सब बैकग्राउंड भी टीचर को होना आवश्यक है कि वहाँ का परिवेश कैसा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सातवां, शिक्षक को बहुभाषिता के महत्व को भी समझना जरूरी है कि बालक बहुभाषिता, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, खुद टीचर जब बहुभाषी होगा उसको भी सब भाषाओं का ज्ञान होगा, तो वह जल्दी इसको महत्व समझने लगेगा और जल्दी बालकों को अच्छी शिक्षा देने लगेगा। तो ये है बच्चों के भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहीं पर हमारी ये यूनिट समाप्त होती है। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।